हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मानव और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ब्लैक मिरर सीजन 5 का एपिसोड 2, जिसका नाम है स्मिथरीन्स। स्मिथरीन एक सोशल मीडिया कंपनी का नाम होता है और ये फेसबुक से काफ़ी सिमिलर होता है। तो अभी और कोई बिना देरी किए चलिए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होता है और हम देखते हैं कि क्रिस, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर है, वो गाइडेड मेडिटेशन कर रहा है जिससे वो शांत रह सके। तभी उसका फोन बीप करता है, जिसे देखकर हम समझ पाते हैं कि उसे एक क्लाइंट मिल गया है जो कि 63 मीटर दूर स्काईलाइन स्ट्रीट में है। वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और क्लाइंट को पिकअप करने चला जाता है। क्लाइंट एक लड़की होती है और बैठते वक्त वो क्रिस से कहती है कि तुम तो बहुत जल्दी आ गई, क्या तुमने पास ही पार्क करके रखा था? जिसके जवाब में क्रिस कहता है कि दरअसल वो अभी अभी किसी को यहाँ पर ड्रॉप किया है, इसलिए इतना जल्दी आ गया। जाते टाइम क्रिस उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम इसी जगह काम करती हो? जिसके जवाब में वो लड़की कहती है, क्या स्मिथरीन में? अरे नहीं, मैं तो यहाँ पर बस विजिट करने आई थी। ये सुनते ही हम देखते हैं कि क्रिस थोड़ा निराश हो जाता है। अब ऐसा क्यों है ये हमें बाद में पता चलेगा। खैर, क्रिस उसे उसके बताए हुए जगह पर ड्रॉप करता है, पर जाते वक्त हम देखते हैं कि वो लड़की बस अपने फोन को ही देख रही है। नेक्स्ट सीन में क्रिस एक कैफे में है, जहां वो नोटिस करता है कि लोग बस अपने फोन में ही लगा हुआ है। बार बार फोन बीप कर रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है और लोग बस उसी को देख रहे हैं। आसपास क्या हो रहा है इस बात पर उन लोगों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं। ये सब देखकर क्रिस का दिमाग गर्म होने लगता है और वो तुरंत कैफे से बाहर चला जाता है, और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में क्रिस एक थेरेपी सेशन में होता है, जहां एक औरत हेलेन अपनी बेटी क्रिस्टिन के सुसाइड के बारे में बोल रही थी कि कैसे क्रिस्टिन खुश थी पर अचानक किसी कारण से सुसाइड कर ली थी। सेशन के बाद क्रिस और हेली के बीच बातें होती हैं, जिसमें हेली कहती है कि वो बहुत नर्वस थी क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम है जब उसने किसी सेशन में बात किया है। क्रिस कहता है कि तुमने तो बहुत अच्छे से कर लिया। हेली फिर कहती है कि फर्स्ट टाइम बहुत स्केरी होता है, राइट? जिस पर क्रिस कहता है कि उसे नहीं पता क्योंकि उसने सेशन में कभी बोला ही नहीं। पूछने पर वो कहता है कि वो बस सही मोमेंट का इंतजार कर रहा है जो कि अभी आया नहीं है। इसके बाद हेली क्रिस को ड्रिंक के लिए पूछती है और इसके बाद वो दोनों हेली के घर चले जाते हैं और वहां जाकर वो दोनों फिजिकल होते हैं। दोनों रिलैक्स कर रहा होता है कि तभी हेली का फोन बीप करता है, जिसे सुनकर वो तुरंत उठती है और अपने लैपटॉप को खोलती है। वो क्रिस से कहती है कि वो रोज उसकी बेटी क्रिस्टिन के पर्सनल अकाउंट में लॉगिन करने की कोशिश करती है। वो ऐसा इसीलिए करती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद क्रिस्टिन ने इनबॉक्स में किसी को अपने सुसाइड करने का रीजन बताया होगा और इसलिए वो उसे लॉगिन करके देखना चाहती है। वो कहती है कि उसे रोज 3 बार पासवर्ड डालने का मौका मिलता है, जिसके गलत होने पर अकाउंट 24 घंटे के लिए लॉक हो जाता है। वो पासवर्ड्स को गेस करती है और उन्हें एक बुक में लिख लेती है और हर रोज उनमें से 3 पासवर्ड्स को एंटर करती है इस उम्मीद में कि वो लॉगिन हो जाएगी। वो दिन गुजर जाता है और अगले दिन क्रिस वापस उसी जगह टैक्सी को पार्क करके मेडिटेशन कर रहा होता है। उसका फोन बीप करता है और वो क्लाइंट को पिकअप करने चला जाता है। वो क्लाइंट गाड़ी में बैठता है और कहता है कि उसे एयरपोर्ट जाना है। क्रिस पूछता है कि क्या वो स्मिथरीन में काम करता है, जिसके जवाब में वो कहता है कि हाँ, वो स्मिथिन में ही काम करता है। ये सुनकर क्रिस उसकी ओर थोड़ी देर देखता है और फिर गाड़ी चलाने लगता है। रास्ते में क्रिस उसे झूठ कह देता है कि नेविगेशन के हिसाब से आगे एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए अगर वो चाहे तो वो लोग दूसरे रास्ते से जाएगा। जिस पर वो लड़का हाँ कह देता है और वो लोग जाने लगता है। उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता कि क्रिस उसे किधर लेकर जा रहा है, क्योंकि वो बस अपने फोन को ही देखता रहता है। क्रिस गाड़ी को ले जाकर एक पुल के नीचे रोक देता है और तब वो लड़का देखता है कि वो कहीं और ही आ गया है। इससे पहले कि वो कुछ पूछे, क्रिस उसे गन पॉइंट में ले लेता है और उसका हाथ बांध देता है। वो उसे दूसरी गाड़ी में बिठाता है और उसके मुंह को एक बैग से ढक देता है। गाड़ी में बिठाते वक्त उस लड़के का फोन वही गिर जाता है, जिस पर क्रिस का ध्यान नहीं जाता। जाते वक्त पेट्रोल स्टेशन पर 2 पुलिस होता है, जिनमें से एक की नज़र उस लड़के पर पड़ता है और फिर वो दोनों उनका पीछा करने लगता है। क्रिस मिरर में देख रहा होता है कि तभी 2 लड़के साइकिल चलाते हुए उनके सामने आ जाते हैं। क्रिस तुरंत गाड़ी को टर्न करता है, जिससे गाड़ी खेत में घुस जाता है और रुक जाता है। इसके बाद वो दोनों पुलिस गाड़ी से बाहर निकलता है और आगे बढ़ने लगता है। क्रिस तुरंत गाड़ी से बाहर निकलता है और गन दिखाकर कहता है कि अगर वो लोग पास आएगा तो उसे मार देगा। इससे पुलिस वाले पीछे हट जाते हैं और क्रिस वापस गाड़ी में बैठ जाता है। वो लड़का भी बहुत डरा हुआ होता है, जिसे देखकर क्रिस उसके मुंह से बैग को हटाता है और उसका नाम पूछता है।
और हमें पता लगता है कि उसका नाम जेडन है। क्रिस कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, मुझे बस तुम्हारे बॉस बिली बावर से बात करना है और कुछ नहीं। जेडन कहता है कि हाँ वो जानता है कि बिली बावर कौन है पर वो उसे नहीं जानता। क्रिस फिर उसे अपने सीनियर का नाम पूछता है जिस पर जेडन कहता है कि उसका नाम हैना है। क्रिस उसे उसका नंबर मांगता है जिस पर जेडन कहता है कि उसका फोन दूसरे गाड़ी में ही छूट गया है। इससे क्रिस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जोर जोर से स्टीयरिंग को मारने लगता है। इसके बाद वो शांत होता है और गूगल करके स्मिथिन के रिसेप्शन का नंबर लेता है और फिर वहाँ से हैना को कॉन्टेक्ट करता है। वो हैना से कहती है कि उसके पास उसका एम्प्लॉय है और अगर उसने बिली बावर से बात नहीं करवाया तो वो उसे शूट कर देगा। हैना कहती है कि उसे बिली बावर का नंबर नहीं पता पर वो कोशिश कर सकती है। वो उसे हॉल में रहने को कहती है और फिर स्मिथिन के CEO पेनेलोपे को फोन करके सब कुछ बताती है। इधर गाड़ी में जेडन पुलिस के एक्टिविटी को देख रहा होता है जिसे देखकर क्रिस उसे कहता है कि कुछ भी करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, जिस पर जेडन कहता है कि वो बस देख रहा था। वो उसे ये भी कहता है कि बिली बावर उसके लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करेगा क्योंकि उसे पता ही नहीं कि वो कौन है। वहां पर खड़े रहे कुछ लड़के वहां हो रहे हर एक इवेंट को कैप्चर करके स्मिथिन में पोस्ट कर रहा होता है। फिर इसके बाद पेनेलोप क्रिस को फोन करती है और कहती है कि वो बिली को कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहा और कहती है कि तुम्हें जो भी कहना है मुझसे कह सकती हो। इस पर क्रिस थोड़ा भड़क जाता है और कहता है कि मुझे बस बिली बावर से ही बात करना है और किसी से नहीं, मुझे उससे बात कराओ नहीं तो मैं इसे गोली मार दूंगा। पेनेलोप थोड़ी घबरा जाती है और कहती है कि हम कोशिश कर रहे हैं, तुम बस होल्ड पर रहो और उस लड़के को कुछ मत करना। पेनेलोप की असिस्टेंट कहती है कि मैंने उसके कॉल को स्विच कर लिया है, अब हम सब कुछ सुन सकते हैं जो भी वो गाड़ी में कर रहा होगा। वो लोग सुन पाते हैं कि गाड़ी में गाना चल रहा है दिस इज माई लास्ट डे और क्रिस भी उस गाने को बड़बड़ाता रहता है। इधर पुलिस को क्रिस के गाड़ी के डिटेल से उसका एड्रेस पता चलता है और जब वो वहां पर जाते हैं तब एक बूढ़े आदमी से उनको पता लगता है कि वो दरअसल IT में एक टीचर था और उसने 2 साल पहले अपना जॉब छोड़ चुका है। वो अब अपनी माँ के साथ रहता था जिसकी इसी साल मार्च में देहांत हो गई। उन्हें ये भी पता लगता है कि 3 साल पहले मतलब 2015 में उसका एक रोड एक्सीडेंट हो गया था जिसमें एक ट्रक ड्राइवर जो नशे में था उनके गाड़ी को टक्कर मार दिया था जिसमें उस ड्राइवर समेत 2 लोगों का मौत हो गया था। वो पुलिस लेडी ये सब कुछ अपने ऑफिसर को बता देती है। इधर उस ऑफिसर को FBI से फोन आता है जिसमें वो एजेंट उससे बताता है कि स्मिथिन के CEO भी इस वक्त लाइन पर है और वो उनसे बात करना चाहता है। वो ऑफिसर पेनेलोप को क्रिस के बारे में बताना चाहती है पर पेनेलोप कहती है कि उसे उस एजेंट से सब कुछ पहले ही पता चल चुका है। पेनेलोप ऑफिसर को थोड़ा सुनाते भी है कि तुम लोग कैसे काम करते हो। क्रिस जिस टैक्सी को चलाता है वो किसी ओमास मासीवालू के नाम से रजिस्टर्ड है जो कि क्रिस ने डार्क वेब से उस अकाउंट को कलेक्ट किया है। हमने उसके टैक्सी कंपनी में भी कॉन्टेक्ट किया है जहाँ से हमें मालूम पड़ा है कि कुछ हफ्तों से क्रिस सिर्फ स्मिथिन के पास से ही क्लाइंट को पिकअप कर रहा है। क्या तुम लोगों ने इस बात को कभी ध्यान नहीं दिया? फिर इसके बाद वो ये भी कहती है कि उसका जो कार एक्सीडेंट हुआ था उसमें जो दूसरा इंसान मारा था वो और कोई नहीं बल्कि उसकी पत्नी थी। इसके बाद से ही उसने नौकरी छोड़ दी और लोगों से भी मिलना जुलना बंद कर दिया। ये सुनने के बाद ऑफिसर के साथ जो नेगोशिएटर था डेविड वो बोलता है कि शायद ये पैसे के बारे में नहीं है, ये स्टेटस के बारे में है। डेविड कहता है कि क्रिस और बिली दोनों सेम एज का है और दोनों IT के बंदे हैं, पर आज बिली के पास मल्टी बिलियन कंपनी है, पावर है, रेस्पेक्ट है, पर क्रिस के पास क्या है? वो कंगाल है, टैक्सी चलाता है और उसने अपनी पत्नी और माँ को भी खो दिया है, इसलिए मुझे लगता है कि वो बस ये बिली का अटेंशन पाने के लिए कर रहा है। और ये कहकर डेविड क्रिस से नेगोशिएट करने के लिए चला जाता है। इधर पेनेलोप ये भी कहती है कि क्रिस का कॉल वो लोग सुन रहा है और फिर कॉल को उनके साथ शेयर कर देता है। इधर डेविड क्रिस को फोन करके उससे बात करने की कोशिश करता है पर क्रिस कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम बस मेरा ध्यान भटकाना चाहते हो जिससे कि मेरे आगे खड़ा स्नाइपर सही मौका देकर मेरा हेडशॉट ले सके। और फिर इसके बाद वो डेविड से कहता है कि अगर तुम मेरे 50 गिनने तक गाड़ी लेकर यहाँ से नहीं चले जाते तो मैं इसे गोली मार लूंगा। और ऐसा कहने के बाद क्रिस काउंट करने लगता है। इसे डेविड और बाकी के पुलिस वाले घबरा जाते हैं और डेविड तुरंत गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। इधर पेनेलोप को भी इस बात का पता चल जाता है कि नेगोशिएशन फेल हो चुका है। फिर इसके बाद उसका मैनेजर डॉन कहता है कि हमें बिली को इस बारे में बताना ही होगा। इस पर पेनेलोप कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि बिली इस वक्त साइलेंट रिट्रीट पर है। डॉन पूछता है साइलेंट रिट्रीट? पेनेलोप कहती है कि हाँ, वो साल में एक बार पूरे 10 दिन के लिए बिल्कुल अकेला समय बिताता है जहाँ कोई फोन नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं,
बस वो और उसका मेडिटेशन। डॉन कहता है कि हमें उसे इस बारे में तो पता नहीं होगा, कहाँ है वो। सीन यहीं पर कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हम उटा के फर्नेस वैली को देखते हैं, जो कि एक पहाड़ी जगह है। वहां पर बिल्ली एक कांच के घर में बैठकर मेडिटेशन कर रहा होता है। एक लड़की अंदर जाती है और वो उसके मेडिटेशन को इंटरप्ट करती है और उसे पूरे सिचुएशन के बारे में बता देती है, जिसे सुनकर बिली कहता है Fuck. नेक्स्ट सीन में हम क्रिस को देखते हैं, जहां वो नोटिस करता है कि वहां न्यूज टीम भी आया हुआ है। वो तुरंत अपने स्मिथ अकाउंट में लॉगिन करता है और देख पाता है कि वहां का पूरा रिपोर्ट पोस्ट हो रहा है। इसे देखकर वो थोड़ा खुश हो जाता है और फिर मिरर में जुडान की तरफ देखने लगता है। जुडान थोड़ा घबरा जाता है पर क्रिस उससे पूछता है कि तुम्हारा उम्र क्या है। इसके बाद क्रिस उससे उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछता है, जिसमें जुडान कहता है कि वो अभी सिंगल है। इसके बाद क्रिस को कुछ फ्लैशबैक दिखता है, जिसके बाद वो थोड़ा रोने लगता है। जुडान कहता है कि तुम सरेंडर कर लो, पर क्रिस कहता है कि वो ये नहीं कर सकता और वो ये भी कहता है कि ये उसका आखिरी दिन है। नेक्स्ट सीन में बिली पेनेलोप को कॉल करता है और कहता है कि मुझे उस आदमी से बात करना है। इस पर वो FBI एजेंट कहता है कि किडनैपर का प्लान है कि जैसे ही वो आपसे बात करेगा उसी वक्त वो होस्टेज को मार देगा। इस पर बिली कहता है कि मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा। पेनेलोप कहती है कि इस बारे में हम फीलिंग पर भरोसा नहीं कर सकते। इस पर बिली कहता है कि यही तो मेन प्रॉब्लम है। कोई भी कुछ नहीं बोलता और फिर बिली कहता है कि मुझे उससे बात करना है। इसके बाद सीन वापस गाड़ी में शिफ्ट होता है, जहां पर जुडान कहता है कि उसकी माँ ये सब देखकर बहुत डर रही होगी। क्रिस कहता है कि तुम्हारी माँ को डरने की कोई जरूरत नहीं, और यही पर वो ये भी कह देता है कि वो गन रियल नहीं है। ये सुनकर जुडान दरवाजा खोलने ही वाला होता है कि क्रिस कहता है कि ऐसा मत करो, मैंने दरवाजा लॉक करके रखा है और अगर हम लोग यहाँ पर हाथापाई करेंगे तो वो गोली चलाएगा और गोली तुम्हें भी लग सकता है। ये बात पुलिस और पेनेलोप भी सुन लेती है और पेनेलोप बिली को भी क्रिस का कॉल ट्रांसफर कर देती है, जिससे कि वो भी जान सके कि आखिर क्या हो रहा है। इधर पुलिस वाले एक दूसरे को इन्फॉर्म करता है कि वो गन रियल नहीं है, जो बात वहां खड़े लड़के भी सुन लेता है और वो इस बात को भी पोस्ट कर देता है। अभी पुलिस भी आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर क्रिस तुरंत पोस्ट पढ़ता है और उसे समझ में आ जाता है कि उसका कॉल ट्रेस हो रहा है। वो शीशा नीचे करता है और चिल्लाकर कहता है कि गन रियल है, वो सभी आगे ना बढ़े। ऑफिसर कहती है कि हमें सब कुछ पता चल चुका है और तुम अब इसे रोक दो। वो सब आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर क्रिस गन को लेता है और हवा में शूट करता है और पता लगता है कि वो एक असली गन है, उसने ये बस झूठ बोला था। उसी वक्त स्नाइपर मौका देखकर शूट कर देता है, पर गोली क्रिस के हाथ से छूकर निकल जाता है। दोनों बच जाता है और इसके बाद क्रिस फोन को लेकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम सब कुछ सुन रहे हो, इसलिए इस बात को ध्यान से सुनो। अगर तुमने 5 मिनट में बिली से बात नहीं करवाया तो अब मैं इसे सच में शूट कर दूंगा, सिर्फ 5 मिनट। और ये कहकर वो फोन काट देता है। ये बात बिली भी सुन लेता है और वो तुरंत पेनेलोप से क्रिस का नंबर मांगता है। पेनेलोप कहती है कि नहीं, वो उसे नंबर नहीं देगी, जिस पर बिली कहता है कि ठीक है, मैं खुद ही निकाल लूंगा। और फिर वो उस लड़की को बिली का लैपटॉप लाने को कहता है। बिली लैपटॉप को खोलता है, उसमें क्रिस का पूरा नाम टाइप करता है और फिर उस लड़की का नाम पूछता है। वो लड़की कहती है कि उसका नाम टिपी है। बिली टिपी से कहता है कि पता है टिपी, मेरे पोजीशन में रहने का सबसे अच्छा चीज क्या है, मैं जब चाहे तब गॉड मोड एक्टिवेट कर सकता हूँ। ये कहते ही वो एंटर प्रेस करता है और क्रिस का पूरा डिटेल्स उसके अकाउंट से निकाल लेता है। सीन वापस शिफ्ट होता है, जहां पर क्रिस कॉल का वेट कर रहा है और तभी उसे कॉल आता है। क्रिस कॉल को रिसीव करता है और फाइनली वो बिली बावर से बात कर पाता है। बिली कहता है कि तुम उस लड़के को जाने दो और फिर हम आराम से बात करेंगे। क्रिस कहता है कि जैसे ही मैं उसे जाने दूंगा तुम तुरंत कॉल को काट कर दोगे। बिली कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो क्रिस कहता है कि तुम बस सुनो और कुछ मत बोलो, मुझे तुमसे बस कुछ कहना है और उसके बाद ही मैं इसे छोड़ दूंगा। बिली कहता है कि ठीक है, पर तुम उसे कुछ मत करो, और बिली सुनने लगता है। क्रिस पूछता है कि क्या तुम ही स्मिथ ट्रेन चलाते हो। बिल कहता है कि हाँ, 2008 से। फिर क्रिस कहता है कि मैं हर वक्त स्मिथ ट्रेन का यूज करता था, हमेशा, मानो फोन मेरे हाथ से चिपक ही गया था। सुबह सबसे पहले और रात को सबसे आखिर में मैं फोन को ही देखा करता था। तमसिन भी मेरी जैसी थी, वो मेरी पत्नी थी। ये कहकर वो थोड़ा रोने लगता है और फिर से कहने लगता है कि 3 साल पहले मैं उसके साथ ड्राइव करते हुए घर जा रहा था, वो सो रही थी, वो बहुत थक गई थी और मैं बस ड्राइव कर रहा था। ये बहुत ही बोरिंग था, उन दिनों मैं हर 10 सेकंड में बोर हो जाता था, रास्ता लंबा था और मैं बोर हो गया। उसी वक्त मेरा फोन फ्लैश हुआ
और मैंने उसे चेक किया। एक नोटिफिकेशन आया था कि किसने मेरे कमेंट को लाइक किया है, बस उतना ही देखा था मैंने, सिर्फ एक सेकंड के लिए, और इतने में ही सब कुछ हो गया। तमसिन बहुत बुरी तरीके से घायल हो गई थी और 2 महीने बाद उसकी मौत हो गई। उस दूसरे कार में जो आदमी था उसका भी मौत हो गया, वो नशे में था तो सभी ने उसी को ब्लेम किया। सभी मेरे लिए दुखी था, यहाँ तक कि तमसिन के माता पिता भी, पर सच्चाई तो ये है कि इन सब का कारण मैं था। मेरी वजह से तमसिन की मौत हो गई, सिर्फ मेरी वजह से। इसे कहते ही वो रोने लगता है। जुडान को भी अब उसके लिए बुरा लगता है। क्रिस फिर से कहता है कि मैंने ये तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि इसे तुमने बनाया है, और मैंने आर्टिकल पढ़ा है कि तुम लोग इसे ऐसे बनाते हो जिससे हम एडिक्ट हो जाएं, अपनी आंखें हटा ना सके। वेल, तुमने बहुत अच्छा काम किया, वेल डन। इस पर बिल उसे सॉरी कहता है और कहता है कि वो इसे ऐसा नहीं बनाया था, उसने तो इसे लोगों की मदद करने के इरादे से बनाया था, और फिर पता नहीं ये सारा चीज कैसे अपने आप हो गया, और अब ये उसके हाथ में नहीं है। उसने स्टार्ट तो किया था पर अब चाहकर भी वो उसे रोक नहीं सकता। क्रिस उसकी बात को काटते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी सफाई नहीं चाहिए, मैं बस तुमसे अपना आखिरी शब्द कहना चाहता था और अब मैं जा रहा हूँ। बिल उसे ऐसा नहीं करने को कहता है और पूछता है कि क्या वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो करना चाहता है। इस पर क्रिस पूछता है कि क्या तुम उस इंसान को जानते हो जो पर्सोना चलाता है। बिल कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कार्टिस को। फिर नेक्स्ट सीन में हेलो को एक फोन आता है जिसमें उसे अपनी बेटी क्रिस्टिन का पासवर्ड बताया जाता है। इधर क्रिस जुडेन को कहता है कि वो अब जा सकता है। वो खुद को गोली मारने ही वाला होता है कि जुडेन उसे रोकने के लिए उसके हाथ से गन को छीनने की कोशिश करने लगता है। इसे देखकर स्नाइपर शूट कर देता है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और अब बात करते हैं कि इस एपिसोड में कौन सा मैसेज है। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर सोशल मीडिया एडिक्शन के बारे में दिखाया गया है कि कैसे लोग सोशल मीडिया से एडिक्टेड हो गया है, और कैसे सिर्फ एक सेकंड के डिस्ट्रैक्शन की वजह से हमारा पूरा लाइफ खराब हो सकता है। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट में जरूर शेयर करें, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बाय।